अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं C2C के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ई कॉमर्स पर काम करने के लिए हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं ऑनलाइन काम करने के लिए। तो उसमें से पहले थी B2B, जो कि मैंने इससे पहले बयान कर चुका हूँ। और आज हम दूसरी टाइप C2C, थर्ड वन, इससे पहले मैंने बल्कि दो टाइप्स के बारे में बयान कर दिया, जिसमें B2B एंड B2C है। आज हम थर्ड टाइप C2C के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली C2C है क्या, इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, इसमें हमारे पास कौन सी साइट आती हैं, तो आज मैं आपको इसका डिटेल में रिव्यू दूंगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो कि इसके पिछले दो टाइप्स आती हैं वो नहीं देखी तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। तो हमारे पास C2C जो है ई कॉमर्स में, हमारे पास तीन वर्ड्स का मजमूआ है, जिसमें सबसे पहले आता है सी। सी के मायने हम देख लेते हैं। सी के मायने हमारे पास आता है कस्टमर के। कस्टमर, जैसा कि नॉर्मली लोकली हम, मैं और आप सिंगल चीज़ कभी कभार सिंगल चीज़ परचेज या सेल करते हैं, तो हम एक लोकल कस्टमर हैं। इसी के साथ अगर हम सेकंड वर्ड टू की बात करें, तो टू हम एज अ रिलेशन यूज़ करते हैं बिटवीन बोथ सी। दोनों सी के दरमियान में रिलेशन क्या है उसको बयान करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसी के साथ अगर हम थर्ड वर्ड अगेन सी की बात करें, तो अगेन हमें सी कस्टमर का मायने देता है। तो अगर हम तीनों वर्ड को C2C को हम देखें, तो C2C बनता है हमारे पास कस्टमर टू कस्टमर। इसका मतलब हमें बनता है कि कस्टमर की कस्टमर के साथ डीलिंग C2C कहलाती है, और ऑनलाइन वर्ड में ई कॉमर्स में हम इसे C2C कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कस्टमर डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करता है और इसे अपनी चीज़ें सेल या परचेज करता है, तो उसे हम C2C कहते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, लेकिन जो मेन या लोकली आप हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, वो हमारे पास आती है OLX। OLX जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी सेकंड हैंड यूज़ की चीज़, हम चीज़ परचेज या सेल हम OLX पे करते हैं, तो ये इसकी एक बेस्ट मिसाल है। तो इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ टाइप, जो कि है C2B। वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी वीडियो की डिटेल से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें।